मैं अच्छा हुआ दुकान याद आ गई। मैंने कहा था ना साथ में मिलके कोई भी रास्ता निकल जाएगा। चलो ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है। हाँ देखते चलो। अरे आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे? मदद करिए इस दीदे, आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? बंद करिए फोन। क्या हुआ इन्हें? तो ऊपर से गिर गए, शायद इलेक्ट्रिशियन है, कोई काम कर रहे। इनका तो बहुत खून भरा है, मैं कुछ करना पड़ेगा। चलते किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल लेके चलते। चलो शॉर्ट ऑटो ऑटो भैया। अरे आराम से। ऑटो वाले भैया जल्दी ले चलिए, जल्दी से कोई पास के क्लिनिक ले चलिए। माँ चलिए आज आपको मैं सर्व कर देती हूँ। अब क्या चल रहा है इनके दिमाग में? कहीं मैं एक भाभी की याद तो नहीं आ रही? 50,000 पेट्रोल एंड माँ आप भी क्या सरदर्दी का खाता लेकर बैठी हो? लाओ आज से इस आपका खाता मैं संभालती हूँ। माँ आपको अंजलि के साथ वक्त बिताना चाहिए, ये सब काम मैं देख लूंगी। मैं आप दोनों के लिए चाय बनवाती हूँ। वैसे तो महक को अंजलि की फिक्र नहीं थी, पर पूरा घर अपने कब्जे में लेने के लिए कितना नाटक करती थी। माँ 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 ये क्या है? घर की जिम्मेदारी अब तू देखना। नहीं नहीं माँ मैं ये नहीं ले सकती। आप और मासी इस घर के बड़े हो, आप दोनों के हो तो ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। मुझे ठीक नहीं लगेगा माँ। बेटा आज नहीं तो कल ये घर ये बिजनेस ये रेस्टोरेंट सब तुझे ही तो संभालना है। अब मेरे लिए महक और शौर्य दोनों ही तुम हो। माँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरती नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। इस पे भैया भाभी का हक है और मैं यह कुस्ता है जिसका मैं चाहूंगी, और मेरे नजरिए से ये हक तुम्हारा है। बेटा शुरू शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, मुश्किलें भी आएंगी, मगर जब एक बार काम सीख जाओगी माहिर हो जाओगी काम में तो अच्छा लगने लगेगा। ठीक है माँ जैसा आप कहें। और माँ ये सिर्फ मैं आपकी खुशी के लिए कर रही हूँ। पल्स काफी लो है, ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है, चोट पर स्टिचिंग करनी पड़ेगी, इनको तुरंत ब्लड देना होगा वरना कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नर्स इनका वॉलेट चेक करो, देखो इनकी फैमिली का कोई कांटेक्ट नंबर है क्या, और इनका ब्लड ग्रुप भी टेस्ट करो। ओके डॉक्टर। अभी तो हम इनको अर्जेंटली एडमिट कर रहे हैं। थैंक यू। ब्लड बैंक से पैसे देकर ही ब्लड मिलेगा। इनकी फैमिली आती होगी, तब तक हम वेट नहीं कर सकते। आप ब्लड लेके आइए सर। महक हमारे पास सिर्फ 10,000 हैं, जो मासी के कंगन गिरवी रखने में मिले, इनको हम कैसे दे सकते हैं?
नहीं दिए पैसे तो ना तुम्हें रात में नींद आएगी ना मुझे अच्छा लगेगा। हमारी हालत खराब है शौर्य, लेकिन उनकी हमसे बदतर है। ब्लड नहीं मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं उनकी फैमिली कब तक आएगी, उनकी जिंदगी का सवाल है। शौर्य मुझे ये सही लग रहा है, हमको इनकी हेल्प करनी होगी इस वक्त, यही सही है। सर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज उनका इलाज आप ठीक से करवा दीजिए। मेरे पास बस इतने पैसे हैं, अगर इतने पैसे में उनका इलाज हो जाए तो आई बी रियली थैंकफुल। वी विल डू आवर बेस्ट। थैंक यू सर। आई एम प्राउड ऑफ यू मिस्टर खन्ना। आई लव यू मिसेस खन्ना। महक, किसी रिश्तेदार के घर चलते हैं ना रात बिताने के लिए। खुराना साहब है ना हमारी मदद करने के लिए, शीतल आंटी भी है। क्यों किसी पे बोझ बनना कि हमारी प्रॉब्लम है? जैसा होगा जो होगा हम साथ में देख लेंगे। चल सोते हैं थोड़ी देर। शौर मुस्टंडे टेररिस्ट से लड़ने वाला शौर्य खन्ना कॉकरोच से लड़ गया। ले 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 बेबी, मेरा बच्चा इतनी सी चीज से डर गया। पीछे क्या है चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या है चुनरी के नीचे। वाह क्या हंसी है, एकदम ऐश्वर्य राय। यहाँ पार्क में क्या आशियाना बसा रहे हो? हमारे साथ आओ। ये इधर है, टाइम आ चुका है, आराम करो, हम आते हैं, फिर मजा करेंगे। चोली के पीछे क्या है? मैं तुम्हें बोल रहा था ना किसी के घर चलते, लेकिन तुम्हारी खुदारी के चक्कर में ना इस जंगल में फंस गए। ओके ओके रिलैक्स, आई एम सॉरी, ये अच्छा आइडिया नहीं है, हम कुछ सोचते हैं कहीं और चलते हैं। हेलो जी, सोना नंबर से बोल रहे हैं जी? नील गगन पार्क में यंग कपल पब्लिकली गंदी हरकतें कर रहे हैं। नहीं रोकिए सर, ये फैमिली वालों का पार्क है। क्या चल रहा है यहाँ, नशा कर रहे हो या कुछ और? ए, बिहेव योरसेल्फ। एक मिनट सर, आप मुझे बताइए प्रॉब्लम क्या है? बोले मत बनो, तुम दोनों पब्लिक प्लेस में लिबट चिपट के बैठे हो और बातें देखो, घर से भाग के आए हो या बताया नहीं, क्या लफड़ा है तुम दोनों का? पहले तमीज से बात करो। तमीज तुझे ये सिखाएगा, तुम झावन लाल नाम है इसका। पार्क बंद हो गया है, तुम दोनों अंदर क्या कर रहे हो? देखिए हमारे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है, इसीलिए ये भगा के लाया क्या? कहाँ से हो तुम दोनों? कोई भगा के नहीं लाया है। देखिए मैं एक मिनट यार, इनको बताना होगा कि मैं कौन हूँ, तब तेरा मुंह बंद होगा। रुक, आईडी तो कार पर छूट गया। क्या हुआ भाई, बताएगा नहीं कौन है तू?
या फिर डरा रहा था मुझे। अपना अपना फोन निकालो, बात करता हूँ कमिश्नर से मैं। फोन निकालो अपना। सॉरी। तेरे जैसे 30 आते हैं यहाँ, कोई कमिश्नर से बात कराता है तो कोई पीएम से, और बाद में सारे लाठी खा के जाते हैं। देखिए बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। रियली सॉरी, हम अपनी गलती मानते हैं, आप हमें अरेस्ट कर लीजिए। मैं क्या बोल रही हूँ? एक मिनट छोड़, अरेस्ट नहीं करूंगा, माइनर ऑफेंस है, यहाँ से चले जाओ, तुम दोबारा यहाँ आना मत। अरे ये क्या बात हुई, हम मान रहे हैं ना कि हमने कानून तोड़ा है और आप हमें यूं ही जाने दे रहे हैं। ऐसा नहीं, आप हमें अरेस्ट करिए, जस्ट अरेस्ट अस, हम चलने को तैयार हैं। क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? सॉरी एक मिनट, देखिए या तो आप हमें अरेस्ट कर लीजिए या फिर हम यही डेरा बना के बैठ जाएंगे। क्या नाटक कर रही हो, क्या ड्रामा है? एक मिनट, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तुम नहीं समझोगे। चुप, ऐसे नहीं मानोगे, चलो थाने, सुबह तक अकल आ जाएगी ठिकाने। लेके चलो इनका। बेबी एक और ब्रेकिंग न्यूज, दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे पो, 80-90 पूरे 100, आगे जाने अब क्या हो, अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। ओ वाओ बेबी, अब मुझे बहुत मजा आ रहा है, आई स्वेयर बहुत मजा आ रहा है। मेरे प्यारे शौर्य भैया, शौर्य खन्ना, इसका तो नाम भी छीन लिया मैंने इससे, बेचारा बेनाम हो गया। आप बड़े ही ढीठ लोग हैं, इनको वार्निंग भी दी, आप यहाँ से चले जाओ, मैडम बोलती है हमें अरेस्ट कर लो। मच्छर और कॉकरोच साथ रहेगा ना तो रात भर अकल आ जाएगी। ध्यान रखना इनका। शुक्रिया कि आपने हम दोनों को साथ में बंद किया। आखिर प्लान क्या तुम्हारा, क्या चाहती हो? मैं कम वेकेशन पर नहीं आए, हम ना इस जेल में। अच्छा देखो सही है ना, अब वो पुलिस वाले हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, ये सेल हमारा कमरा है, यहाँ कम से कम चैन से नींद तो आएगी ना। जरा सोचो, इमेजिन करो, ये हमारा बेडरूम है और ये हमारा गेट है, उसके बाद ये हमारा कबर्ड है और उसके जस्ट सामने आप ये हमारा सोफा और ये हमारी साइड टेबल और ये हमारे रूम की खिड़की है, बहुत सुंदर है ना व्यू, कितनी अच्छी हवा आ रही है। टीवी देखना है तुम्हें? एक हनीमून पे आए हैं। सर कौन है ये लोग? सर मैंने इनको पार्क में से पकड़ा था, इनको वार्निंग भी दी थी, आप यहाँ से चले जाओ और दोबारा मत दिखना यहाँ पर, मगर मैडम बोलती है हमें अरेस्ट करो, बड़े बेशरम लोग हैं ये। शौर्य खन्ना, तुम लोगों ने शौर्य खन्ना को अरेस्ट कर लिया? अरे ये कौन है, मैं जानते ही नहीं उन्हें। चुप कर,
बाहर निकाल इन्हें। जी सर। I'm really sorry सर, मेरी टीम की वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी। सर इट्स ओके। देखिए मेरे पास भी आईडी नहीं था ना सर, इनफैक्ट ये लोग तो अपना काम कर रहे थे, तो इट्स ओके इजी सर। और एक्चुअली ना बिल्कुल सही हुआ। सॉरी सर। देखिए प्लीज आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे ना, ऐसे ही करते रहिए, चलते हैं। सर हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, घर या रेस्टोरेंट कहीं ड्रॉप करवा दे आपको। नहीं सर हम मैनेज कर लेंगे, थैंक यू, टेक केयर। महक नाम जो कमाया ना मैंने वो कोई नहीं छीन सकता, अब मुझे पूरा यकीन है महक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। जेल से छूट कैसे गए? कोई बात नहीं, अगर छूट गए तो कहाँ जाएंगे, कोई मदद नहीं करेगा इनकी, पानी तक के लिए तड़पेंगे ये दोनों, ये और इसकी बेवकूफ माँ। जिस तरह से माँ को बात करनी पड़ी, मेरा तो दिल ही टूट गया ये सब सुनकर। मुझे बहुत चिंता हो रही है, तो मुझे बताते रहना कि वो लोग कहाँ पर हैं। I'm sorry माँ, वो मुझे भाई भाभी की चिंता हो रही थी। कोई खबर मिली? लास्ट उन्हें चांदनी चौक में देखा था, आई गेस भाभी के मायके गए होंगे। हाँ और क्या, वही तो जाएंगे, वही तो उनका असली घर है। उन दोनों को जितना उस घर की दीवारों से लगाव है ना, उतना तो यहाँ रहने वाले लोगों से भी नहीं है। खैर हमें क्या, हम क्यों अपना सर खपाए। अच्छा सुन, मैं ये कहने आई थी कि तुझे वाइट चिल्ली जाना है, तो इन सब बातों में भूल मत जाना, और काम भी तो संभालना है ना। चले चल। खुश रहो। हाय बुआ जी, कैसे हो? बुआ भैया और भाभी कहाँ गए? रेस्टोरेंट गए हैं। फोन भी किया था कल रात को हम लोगों ने बताने के लिए कि हम लोग आ रहे हैं, लेकिन दोनों नंबर अनरीचेबल थे। तुम दोनों सांस ले लो पहले, फिर बैठ कर बात कर लेना। इसमें बैठ के बात करने वाली कौन सी बात है? भैया अगर घर पे नहीं है तो रेस्टोरेंट पे ही गए होंगे या शहर के बाहर। सब ठीक तो है ना? हर रात लॉकअप में तो पिता नहीं सकते, अब कहाँ जाएंगे? रोटी कपड़ा और छत, सबसे पहले इन बेसिक जरूरतों का कुछ करना होगा। मैं करोड़ पे नहीं रख सकता। मैं पुराने दोस्तों बिजनेस कॉन्टैक्ट से बात करता हूं। क्या कर रहे हो? I'm sorry, मैं। तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई क्या? चल के कॉफी पी लेते हैं। कॉफी महंगी होगी, चाय पीते हैं आज? शौर्य हमेशा कॉफी ही तो पी है, आज मेरे लिए चाय पी लो। जब तक कोई इनकम नहीं शुरू हो जाती, कम से कम में खर्चा चलाना होगा, और शौर्य ने कभी कमी देखी नहीं है।
मुझे ही संभालना होगा। ऐसे मुंह मत बनाओ। तुम्हें पता है चाय हमारे देश की नेशनल ड्रिंक है। देखो कितने सारे लोग पीते हैं। चलो क्यों घूर रहे हैं? चलाओ, इग्नोर मोड पे डाल दो। मैं सामने वो फोन को दिख रहा है। मैं जाके कुछ दोस्तों को फोन कर लेता हूँ, शायद किसी के पास कुछ काम निकल जाए। आता हूँ मैं। हाँ अमित, अमित मैं शौर्य बोल रहा हूँ। शौर्य मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। अरे लेकिन हाँ मैं शौर्य बोल रहा हूँ। शौर्य बीवी को लंच पे लेके जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। अरे मैं काम के बारे में बात करना चाहता हूँ यार। तुमने तो प्रपोज किया था उसके बारे में और तुम ये बीवी को लंच पे लेके जा रहे हो। मेरी बात तो सुनो यार। रिडिकुलस, जब जरूरत है ना तो कोई साला दोस्त नहीं है। तुम्हारा इशारा अंजलि की तरफ है ना? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं जीजी कि आपने नहीं बताया, हमने नहीं बताया, तो ये बात बाहर गई कैसे? क्या पता, तुम तो हमेशा महक और शौर्य की तरफ रहती हो ना, हो सकता है उनकी भलाई करने के लिए तुमने बात फैलाई हो। हुआ मगर तू चुप रह। ये घर मेरा है और ये मेरी बेटी है। जिसको भी इस घर में रहना है मेरे कायदे कानून के हिसाब से रहना होगा, और जिसको नहीं रहना वो जा सकता है।